हेलो व्यूअर्स, आज के इस टेक्नोलॉजी वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टॉप इंडियन टेक कॉन्फ्रेंस और इवेंट के बारे में, जो कि 2021 यानी कि इस साल होने वाला है। तो चलिए टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करते हैं, और इसी तरह की टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। पहले हम बात करते हैं अप्रैल मंथ की। इस साल में अप्रैल में होने वाला नवीडिया GTC 21 ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस है, जो कि AI इनोवेटर्स के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बारे में केस स्टडी मिलेगी आपको, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड एंटरप्राइजेस के ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस मिलेगा, जिससे आपको इस AI बारे में आपको डिटेल सारी मिलेगी। ये सिर्फ ऑनलाइन रखा गया है, जो कि 12 से 16 अप्रैल के बीच में चलेगा। अगर आपको इसकी सारी डिटेल चाहिए तो इसकी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके वेबसाइट पे आप देख सकते हैं और इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन आप इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे इवेंट की, जो कि 19 मई को होने वाला है, द क्लाउड समिट ऑनलाइन। ये भी ऑनलाइन होने वाला है, के बारे में आपको वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सही डिटेल मिल जाएगी। ये बेसिकली क्लाउड इम्प्लीमेंट और क्लाउड चेंजेस के बारे में है, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिफरेंट मार्केट्स के बारे में ये इवेंट होने वाला है। इसके बारे में आप और डिटेल जानने के लिए आप वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 19 मई को होने वाला है। उसके बाद अब थर्ड नंबर पे आता है, जो कि जून 2nd और 3rd जून को होने वाला है, GCC कॉन्क्लेव। ये भी ऑनलाइन ही होने वाला है। ये इवेंट होने वाला है NASSCOM के थ्रू, जो कि आपको बताएगा कि हाउ चेंज इन वर्किंग प्रैक्टिसेस, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा, अफेक्टेड ग्लोबली कैपेबिलिटी सेंटर्स के बारे में, 2nd और 3rd जून को। की बात करते हैं, एक और इवेंट होने वाला है 27th और 28th जून को, जो कि कतर इंडस्ट्री 4.0 कांग्रेस का होने वाला है, दोहा कतर में ये होगा। ये इवेंट दोहा कतर में होने वाला है और ये ऑफलाइन है, ये आपको फिजिकली जाना पड़ेगा वहाँ। उसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, और इसमें आपको सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, लाइक 5G कैसे वर्क करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और रोबोटिक्स, इन सब की कंट्रीब्यूशन और इन सब के रेवोल्यूशन के बारे में आपको सारी डिटेल में मिलेगी नॉलेज। तो इसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं और वेबसाइट पे विजिट करके आप और डिटेल पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं जुलाई 2021, इस इवेंट को भी NASSCOM करा रहा है। इस इवेंट का नाम है NASSCOM एक्सपीरियंस AI वर्चुअल समिट। ये ऑनलाइन होने वाला है, इस पे आपको प्रैक्टिसेस बिल्डिंग कैपेबिलिटी और AI किस तरह से वर्क कर रही है इंडिया में, इन सब की आपको जानकारी इस इवेंट में मिलने वाली है। तो अगर इसके बारे में भी आपको चेकआउट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं और डिटेल आपको मिल जाएगी। अगर आप अप्लाई भी करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं आप। इसके बाद अगस्त में एक इवेंट होने वाला है 17 अगस्त को, ये भी NASSCOM एनुअल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस, ये भी ऑनलाइन होने वाला है। इसमें आप इस एनुअल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंडस्ट्री से सारी आपकी आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कभी डिटेल आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट चेक। इसके बाद एक इवेंट होने वाला है अक्टूबर 7 to 8 अक्टूबर को, NASSCOM डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग समिट के नाम से। ये भी ऑनलाइन होने वाला है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्टिंग और इंजीनियरिंग रिसर्च डेवलपमेंट की जा रही है, इन सब की डिटेल आपको जो है मिलेगी इस इवेंट के अंदर में। और ये इवेंट 7 to 8 अक्टूबर को चलेगा ऑनलाइन, तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद एक इवेंट होने वाला है नवंबर में, जिसका नाम है बेंगलुरु टेक समिट। ये 18 to 20 नवंबर तक चलेगा, एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस होगा। ये टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेगी कि किस तरह से IT जो है बिजनेस को फ्यूचर में हेल्प करने वाली है, और इन सब से रिलेटेड आपको सारी जो है नॉलेज इस इवेंट में मिलेगी। तो ये इवेंट चलने वाला है 18 से 20 नवंबर को, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपको 30 नवंबर में एक और इवेंट होने वाला है, जो कि 30 नवंबर से 2nd दिसंबर तक चलने वाला है, और इस इवेंट का नाम है गार्टनर IT सिमोसम एक्सपो, और ये कोची में होने वाला है। ये कॉन्फ्रेंस
ये इवेंट 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलने वाला है। इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। लास्ट इवेंट बताना चाहूँगा कि फरवरी 2022 में एक होने वाला है, जो कि 16-18 फरवरी तक चलेगा। इस इवेंट का नाम है नैसकॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फॉर्म और ये ऑनलाइन होने वाला है। ये एनुअल इवेंट है टेक्नोलॉजीज लीडरशिप और लीडर्स की, टेक्नोलॉजी लीडर्स की, जो कि अक्रॉस एशिया के बारे में आपको बताया जाएगा किस तरह से टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आपको इस इवेंट पर मिल जाएगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं लिंक। अब बात करते हैं नैसकॉम की, जो कि इस साल काफ़ी सारे इवेंट को करा रही है। तो ये नैसकॉम कौन है? ये बेसिकली इस्टेब्लिश हुआ था 1988 में, नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री है ये, और ये इंडिया में प्रोवाइड करती है सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट सेक्टर में। बेसिकली नैसकॉम का जो मोटिव है वो टैलेंट, इनोवेशन, मार्केट रिसर्च, इन सब चीज़ों पे ये काम करती है। बाकी आपको इसकी डिटेल अगर और जाननी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और इसी तरह की टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें अपने, एंड फाइनली वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।